वीडियो बना रहे हैं उस बुक पे जिसके बारे में लोग कहते हैं कि कोई नहीं सुनता। हालांकि पाकिस्तान में 45% गर्ल्स ने ये किताब रखी होती है, मैट्रिक में भी और इंटर में भी, राइट। और इस किताब में वो ग्रेजुएशन भी करती हैं। और इस किताब के बारे में ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं होमी इकोनॉमिक्स, ठीक है, यानी घर के काम वगैरह के बारे में, किस तरह खाना वगैरह पकाना है, सिलाइयाँ कैसे करनी है, उस चीज़ के बारे में। और बहुत सारी गर्ल्स जो हैं, राइट, जो टीचर बनना चाहती हैं, वो एम ए उर्दू करती हैं, एम ए इंग्लिश करती हैं, सारे सब्जेक्ट करती हैं, लेकिन जिस सब्जेक्ट में नहीं करती। और इसकी सीट्स इतनी ज़्यादा आती हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, जिसके लिए लोग ही नहीं होते अप्लाई करने वाले। तो करंटली अगर कोई गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता है तो इसी में मास्टर कर ले भाई, कुछ नहीं, क्लास में जाके दाल पकाना, रोटी पकाना सिखाना है, मसला कोई नहीं है। सैलरी तो उतनी मिलनी है जितने एम ए इंग्लिश वालों को मिलनी है, बल्कि एम ए इंग्लिश वाला जो शख्स है वो क्लास में परेशान बैठा रहता है कि रिजल्ट 100% कब आएगा। और जिसने ये किताब रखी होगी उसका रिजल्ट 100% ही है, खाना तो पकाना लड़कियों को आ ही जाता है। तो इसमें कितने चैप्टर बेटा आपको बताना पड़ेगा, हाँ, चैप्टर नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं? अच्छा, ये चैप्टर नंबर पहला आता है पारचा बाफी और लिबास आता है उसमें। पारचा किसे कहते हैं? ठीक है, लिबास बनाना, सिलाई करना, ठीक है, लिबास के इंतखाबात और ये डिज़ाइन समझाना, घर में तहफ़ करना, सेहतमंद माहौल बनाना, सफाई वगैरह किस तरह करनी है, झाड़ू कैसे लगाना है, टाकी कैसे लगानी है, घर को डेकोरेट कैसे करना है, लिबास में डिज़ाइन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, घर और माहौल में डिज़ाइन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, खाना पेश करने का तरीका कि खाना किस तरह से सेट करना चाहिए, कांटे चम्मच और चाय वगैरह के बर्तन कैसे रखें, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपने पढ़ लेनी है। मैं बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं आपके, जो बहुत बड़े रिपीट होते हैं, जो मैंने पेपर में देखे थे। एक है चैप्टर नंबर 14 आर्ट एंड डिज़ाइन, इसमें से एक सवाल आ जाता है। एक चैप्टर आपका है लिबास बनाना, इसमें से एक सवाल आपका आया था चैप्टर नंबर 10। एक चैप्टर आपका है उम्र के मुख्तलिफ और अदवात में लिबास की जरूरत, यानी बूढ़े बंदे का लिबास अलहदा होता है। अब बूढ़े बंदे को आप जीन्स की पेंट और हाफ शर्ट पहना के बैठा दो, कैसा अजीब सा लगेगा। तो हर एक की ड्रेसिंग अलहदा होती है, ठीक है, तो उस लिहाज से उसे वो ड्रेस बनाना चाहिए। उसके बाद आपका आता है रोज़मर्रा ज़िंदगी की आर्ट, ठीक है, जिस तरह खाना पेश करना, घर मोल वगैरह। यानी मैंने चैप्टर में 10, 14 और आपको 15 का है। अगर कोई बच्चा पूरा साल नहीं पढ़ा, ये 3 चैप्टर कर ले, इंशाल्लाह उसका पेपर पास हो जाएगा। दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।